तो आज एक बार फिर से श्रीराम को नई तारीख मिली है। सुप्रीम कोर्ट में 70 वर्ष पुराने अयोध्या केस पर आज सुनवाई हुई। 60 सेकंड में फैसला आ गया, 60 सेकंड में। 10 जनवरी तक के लिए सुनवाई टल गई है। सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच का गठन होगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस नई बेंच का गठन करेंगे। नई बेंच ये तय करेगी कि रोजाना सुनवाई होगी या फिर नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के मुद्दे पर हुई सुनवाई की 10 बड़ी बातें क्या है, तो आप गौर से समझिए। राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में महज 60 सेकंड में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस दौरान किसी पक्ष से कोई दलील नहीं सुनी गई, किसी पक्ष ने कोई दलील दी भी नहीं। सीजेआई ने कहा कि सुनवाई के लिए एक रेगुलर बेंच बनेगी। सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच का गठन किया जा सकता है और 7 से 8 तारीख तक नई बेंच के लिए जजों के नाम भी तय हो सकते हैं। चीफ जस्टिस तय करेंगे कि बेंच के जज कौन कौन होंगे, ये 6 महत्वपूर्ण बात है। 10 जनवरी को बेंच मामले की सुनवाई की रूपरेखा तय करेगी और 10 जनवरी को पता चलेगा कि सुनवाई किस किस दिन होगी, यानी कि रेगुलर बेसिस पर होगी या फिर कितने दिन के गैप में होगी, ये साफ हो जाएगा। 10 जनवरी को पता चलेगा कि सुनवाई कैसे होगी, किस किस दिन होगी, क्या मिसलिनियस डेज में होगी, जैसा कि कहा जाता है मंडे ट्यूसडे वेंसडे, या फिर महीने के मुताबिक 15 दिन के मुताबिक जैसे हिसाब होता है तमाम सुनवाइयों की तरह। वैसे कोर्ट में आज रोजाना सुनवाई वाली PIL खारिज कर दी गई। वन स्टेप फॉरवर्ड है क्योंकि अभी तक एप्रोप्रिएट बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं थी और चीफ जस्टिस ने यही कहा है कि 10 जनवरी को हम ये मैटर लगा रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि एप्रोप्रिएट बेंच इसमें हमने फर्दर ऑर्डर क्या पास करेगी। तो 10 जनवरी को ये मैटर अब एप्रोप्रिएट बेंच विशेष पीठ के सामने लगाया जाए। 10 तारीख से इस मामले में आप ये मान के चल सकते हैं कि एप्रोप्रिएट बेंच अब इस मामले की सुनवाई की रूपरेखा तय करे। चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बेंच गठित करेंगे और जब सुप्रीम कोर्ट की कॉजलिस्ट आएगी 6 या 7 तारीख को आप सबको पता चल जाएगा ये मामला किस के सामने जा। आज अदालत ने यह तय कर दिया कि 10 जनवरी 2019 से अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी और 10 तारीख को जो बेंच बनेगी वो बेंच यह तय करेगी कि इसको डे टू डे सुना जाए या पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सुना जाए। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस मामले की सुनवाई 10 तारीख से शुरू होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह प्रेरोगेटिव है कि वो बेंच तय करेंगे कि कौन सी बेंच होगी, उस बेंच में वो खुद भी हेड कर सकते हैं या किसी और बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और जो बेंच बनेगी 10 तारीख को जो बैठेगी वो बेंच तय करेगी कोर्स ऑफ हियरिंग। और चलिए अब आप ये समझिए कि आज की सुनवाई से राम भक्तों को क्या खुशखबरी मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है, पहली बड़ी बात तो ये है। अयोध्या केस की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन होगा, दूसरी ये सफलता है इस सुनवाई के नजरिए से। तीसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि 10 जनवरी से पहले अयोध्या केस की सुनवाई के लिए नई बेंच बनेगी। इसी के साथ नई बेंच 10 जनवरी से अयोध्या केस की सुनवाई भी करेगी। पांचवी बड़ी बात जो है इस पूरे मामले में वो ये कि नई बेंच तय करेगी कि मामले की रोजाना सुनवाई होगी या फिर नहीं होगी। अब 2019 के जनवरी की 4 तारीख दी गई थी और हम लोगों ने सोचा था कि आज बेंच बन जाएगी तो जल्दी सुनवाई प्रारंभ होगी, लेकिन जानबूझकर, मैं तो सीधे आरोप लगाता हूँ, जानबूझकर कांग्रेस की सारे पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने इस प्रकार का काम किया है, हिंदू धर्मावलंबियों पर ठेस पहुँचाने के लिए यह कदम जजों का ठीक नहीं है। मैं जजों को सलाह दूंगा कि जज लोग अपने कर्तव्य का पालन करें। जिस दिन ये हो जाएगा मैं भी एक पत्थर लगाने जाऊंगा अगर आप लोग इजाजत दें, अगर हिंदुओं को ये ना लगे कि भाई फिर हमने वहाँ धोना वोना होगा। जल्दी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ कई साल पहले होना चाहिए था। लेकिन पौने 5 साल में सरकार पूरी मेजोरिटी में किया, पौने 5 साल में कुछ नहीं किया। ये जनाब इस्तेमाल करते हैं भगवान राम को सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए, सही बात तो ये है। इनको राम, भगवान राम के मंदिर से कोई मकसद और मतलब नहीं है। इस मांग का तो हम सब समर्थन करते हैं कि इस सरकार को अपने इसी कार्यकाल में संसद में कानून पास करा करके राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट के ऊपर किसी का दबाव नहीं है, हिंदुस्तान में संविधान है, संविधान आगे चलता है। नेताओं की बात से या कोई है, जो चाहे हम पक्षकार हो चाहे अगला पक्षकार हो, पक्षकार कोई भी
किसी कहने से कानून नहीं बनता, किसी कानून नहीं चलता, कानून बना हुआ है, जो कानून करेगा उसको हम मानेंगे। सीधा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, 70 साल पुराना। हम तो हमारे वाले साहब भी क्या करते थे, कोर्ट फैसला आज कर दे अभी कर दे, हम उसको मानेंगे। इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? हम तो कहते हैं भाई कोर्ट फैसला करे, कोर्ट को फैसला करना है सबूतों के आधार पर करना है, कोर्ट आज भी करे, आज करे, अभी करे, हम मानेंगे।